Assalamu alaikum, my Europe family, and welcome back to my Europe channel. This is me, Sumbul Dalabhasha. This is me, Dalabhasha. और मेरी और तलहा की तरफ से अभी आ जाए निदावा जी के घर हम लोग ऑल द वे बस अभी जा रहे हैं. निदावा जी ने कहा था नदीम पूरी तैयारी कर ईद की. वालेकुम सलाम. तैयारी सब हो गई ईद की मुकम्मल. ईद की चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी. तो अभी ऑल द वे हमारा प्लान ये है कि वैसे मुझे ब्लो ड्राई के लिए भी जाना था और अभी हम जा रहे हैं निदावा जी के घर पे क्योंकि निदावा जी ने कहा था. हाँ निदावा जी ने कहा था कि सबकी जो मेहंदी है वो मेरे घर पे लगेगी. तो अभी हम लोग ऑल द वे जा रहे हैं निदावा जी के घर पे और गर्मियाँ आ गई हैं. तो बस अभी हम लोग निदावा जी के घर जा रहे हैं. वहाँ चल के मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे. वहाँ पर सब लोग होंगे और सब लोग वहाँ पर मेहंदी लगवा रहे हैं. मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और फिर आते हुए शायद मैं ब्लो ड्राई करवाऊँ क्योंकि जहाँ से मुझे करवाना अलग है तब तक वो खुला रहे. तो चले आ जाए. तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं. तलहा भी बाहर हैं. ये देखें चले आ जाए. तलहा के पास चलते हैं अभी. बोलना है तो अस्सलाम वालेकुम गाइस. मैं हूँ तलहा और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक और ईद मुबारक भी. और अभी मैं जा रहा हूँ निदा जी घर सुमुल को ड्रॉप करने क्योंकि वहाँ पे निदा जी ने मेहंदी का अरेंजमेंट किया हुआ है सबके लिए. मेरे लिए नहीं औरतों के लिए लड़कियों के लिए औरतों लड़कियों के लिए तो वो लगवा रहे हैं. तो इंशाल्लाह हमारे आगे पर आपको पूरा दिखाते हैं क्या सेटअप है क्या नहीं है. और हमारे साथ कुट्टो. तो बस अभी हम लोग ऑल द वे जा रहे हैं निदाज के घर पर. वहाँ पर वैसे मैंने बहुत प्यारी सी मेहंदी सोची हुई कि मुझे कैसी लगवानी है. तो बस और उसके बाद मुझे जाना है ब्लो ड्राई करवाने के लिए. और भी एक दो काम है तो वो सब मैं करवाऊँगी. तो और आप सब भी बताइएगा कि आप सबकी चांद रात कैसी जा रही है क्या क्या कर रहे हैं. तो चले आ जाए. और वहाँ से मुझे फिर ब्लो ड्राई करवाने के लिए जाना है. तो बहुत सारे काम हैं. बस जैसे ही मेहंदी लगेगी तलहा मुझे पिक करने के लिए आएंगे क्योंकि तलहा को घर जाना है. अबू और तलहा को थोड़ा सा काम है कहीं जाना है. तो बस आज आप देखेंगे व्लॉग में मुझे मेहंदी मैं कैसी लगवाती हूँ. और उसके बाद ऑल द वे ब्लो ड्राई के लिए मुझे जाना है. तो बस सारी और आप सब मुझे बताएगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं चांद रात पे कैसी कैसी मेहंदी लगवाई. और मेरी और तलहा से एक बार फिर आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो. और बहुत मज़े मज़े की पिक्चर्स कल आप सबके साथ शेयर करेंगे. आप भी मेरे साथ करिएगा. तो चले आ जाए. मेरी तरफ से भी सबको चांद रात मुबारक. और ये देखें नदीम अस्सलाम वालेकुम. और मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को चांद रात मुबारक हो. और इसी तरह तरह के लोगों के व्लॉग्स देखते रहें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. इसी तरह आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहेंगे इंशाल्लाह. आपका टाइम पास बहुत अच्छा है. अच्छा ये बताओ तुम्हारा ईद का कलर कौन सा है जो ड्रेस पहन रहे हो किस कलर का है. फुल ब्राउन है. फुल ब्राउन है. मेरा बॉटल ग्रीन है. बॉटल ग्रीन चमले दो खेड़ी है नदी. तो नदीम भाई के कपड़े और चाचू के कल जब मैं पूरा ईद के अच्छा दो व्लॉग्स आएंगे पार्ट वन पार्ट टू तो आप सब देख के बहुत एंजॉय करेंगे. तो बस अभी हम जा रहे हैं निदावा जी के घर पर. अच्छा अभी हम पहुंच गए हैं निदावा जी के घर पे. तो चले आ जाए वहाँ पे चल के मैं आपसे सबसे मिलवाती हूँ. हम पहुँच गए निदावा जी के घर पर. आ जाए. यहाँ पर देखें कितना प्यारा सेटअप लगा हुआ है और सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं. अच्छा जी तो यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत शोर हो रहा था और सब लोग बातें कर रहे थे. लड़कियाँ आई हुई थी बातें हो रही थी बहुत ज़्यादा तो और शोर भी बहुत ज़्यादा था. तो मैं जो कुछ भी कह रही थी तो ठीक से आवाज़ ही नहीं आई जब मैंने ठीक से देखा. तो फिर शोर बहुत ज़्यादा तो सिर्फ आप लोग को शोर की ही आवाज़ आती. तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर दूँ. और ये देखें यहाँ पर मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई थी. अच्छा मुझे लगा था कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी ना तो सब लोग आए हुए होंगे लेकिन जब तक मैं पहुँची तो सबसे पहले मैं ही थी. मैं और निदावा जी हम लोग मेहंदी लगवा रहे थे. उसके बाद सब सेनावा जी सवेरावा जी और सब लोग आए. और जैसे ही मेहंदी लगी तो फ़ौरन से मैंने लड़कियों से नेल पेंट लगवाया. ये देखें कितना प्यारी लग रही है मेहंदी माशाल्लाह से. और नेल पेंट से अंदाज़ा आप सबको हो ही गया होगा कि जिस कलर का नेल पेंट मैं लगवा रही हूँ सेम इसी कलर का मेरा ईद फर्स्ट ईद का ड्रेस है.
यही कलर है मेरे ड्रेस का। और ये देखें, अब यहाँ मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लग रही थी। अच्छा, मुझे मेहंदी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईद पर ही नहीं, मैं वैसे भी मेहंदी लगवाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मेहंदी लगवाती हूँ तो तला का नाम लाजमी लिखवाती हूँ, और तला ने आज स्पेशली कहा था कि मेरा नाम ज़रूर लिखवाना। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना लिखवाऊँ। तो तला मुझे ड्रॉप करके निदावर के घर चले गए थे, क्योंकि अब्बू और तला को थोड़ा काम से कहीं जाना था। और ये देखें, हम लोग इतनी लेट फ्री हुए थे, 1-2 बज गए थे मेहंदी लगते लगते लगते। और ये देखें, यहाँ पर सवेरा बाजी आ गई थी। ये देखें, ये सवेरा बाजी ही मेरी वीडियो बना रही थी। ये देखें, अब मैं आपको सबके हाथ दिखाती हूँ, निदा बाजी, सना बाजी, सवेरा बाजी की, सब लोगों की मेहंदी दिखाती हूँ। और इसके बाद जो ईद का व्लॉग होगा वो बहुत मज़े का होने वाला है। ये देखें, ये यहाँ पर मेहंदी लग रही है। पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ पे साथ साथ चाय भी पी रही थी। और फौरन मेरे बाद, थोड़ी देर बाद ही सनहा बाजी आ गई थी। ये सनहा बाजी के हाथ हैं। और फिर सवेरा बाजी का डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। निदा बाजी और सवेरा बाजी ने बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई थी, ज़्यादा भरी भी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी रिसेंट सी लग रही थी। ये देखें, ये सवेरा बाजी के हाथ, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना। आप सबको मेरी मेहंदी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं तीनों बहनों की आपको मेहंदी दिखाती हूँ, निदा बाजी, सना बाजी और सवेरा बाजी, सब ने कैसी लगवाई है। और इसके बाद बस बहुत सारी हम सब ने मिलके पिक्चर्स ली, स्नैप्स बनाई। ये देखें, फिर थोड़ी देर में तलहा भी आ गए थे मुझे पिक करने के लिए। और यहाँ पर सवेरा बाजी और सना बाजी की मेहंदी लग गई थी। और ये देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है मेहंदी वाले हाथ। ये देखें, सब लोगों की मेहंदी लग गई थी, अब सब लोग तैयारी कर रहे थे घर पे जाने की, और मुझे ब्लो ड्राई के लिए जाना था। ये देखें, बस अब सब तैयारी कर रहे थे कि घर जाऊँ। ये देखें, मूसा भाई ने भी जो है ना मेहंदी लगवाई है, सबको देख देख के तो उन्होंने कहा मुझे भी लगा दें। तो ये था आज का व्लॉग, आप सब बताइएगा कि कैसा लगा और मेरी मेहंदी कैसी लगी ये भी बताइएगा। ये घर पर, और ये देखिए मेरी मेहंदी लग गई है। निदा बाजी ने सबको मेहंदी लगवाई, सब लोग वहाँ पे आए हुए थे। अब मैं जा रही हूँ घर पर क्योंकि कल है ईद और कल मुझे बनाना है तंदूरी चिकन सबके लिए। और ये देखें, ये देखें, ये तलहा का नाम। और मैं जा रही हूँ बस घर पर। और ये देखें, यहाँ पर मैंने नहीं लगवाई क्योंकि बहुत पथक गई थी। तो ये देखें, आप लोग बताइएगा मेहंदी कैसे लगी। और चांद रात बहुत बहुत मुबारक और ईद भी मुबारक, क्योंकि जब तक ये व्लॉग आप लोग के पास आएगा ईद आ चुकी होगी। तो ये देखें, ओके।
अब हम लोग आ गए हैं घर पर मेहंदी लगवा के फाइनली, और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। ये देखें, और दूसरे हाथ की भी दिखाती हूँ, ये देखें बहुत प्यार। आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेहंदी और चांद रात, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हम घर पर आ गए हैं। अच्छा ये देखें, ये जब निदाबाजी के घर से हम आ गए थे तो ये सारा मसाला, ये तंदूरी चिकन का है जो कल ईद पर मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको ओवरनाइट में पूरा छोड़कर जो है ना रेडी कर लूँ, ताकि जो भी इसके मसाले हैं वो सब अच्छे से रेडी हो जाएं। और मैंने मेहंदी ये देखिए वॉश कर ली थी, कितना प्यारा सा कलर आया। ये देखिए, अच्छा इसमें 2 पैकेट तंदूरी चिकन के मैंने ऐड किए हैं शान के, और इसमें 1 kg मैंने दही लिए 1 किलो, और बस अब ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब जब ये पूरी बनेगी तो कल मैं इसको अभी ओवरनाइट छोड़ दूँगी, और यहाँ पर मैं अभी चाय पी रही हूँ। ये देखिए ये पूरी जो है ना डिश। ये था आज का पूरा ब्लॉग जो आपने देखा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेहंदी कैसी लगी। और बस आते के साथ ही मैंने फ़ौरन तंदूरी चिकन में मसाला लगाया, क्योंकि मुझे उसको ओवरनाइट छोड़ना लाजमी था। तो ईद का ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, खैर ये ब्लॉग आपको मेरा ईद वाला दिन मिलेगा। तो मेरी और तलहा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत अच्छे से अपनी ईद मनाइएगा आप सब। और ये ब्लॉग देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसे लगा। सो गाइस डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और चैनल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।